हाय फ्रेंड्स, फिर से मूवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं मेरे लिए एक सुपर आईआर कैम लेकर आया हूँ। 2S का मॉडल है। तो हमें बहुत सारे फ़ोन जो है शॉर्टिंग के आ रहे हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जा रहा है, पूरा क्लैंप्स ओपन करना, चेक करना है, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया है। तो हमारे सबसे पहले दो फ़ोन है, एक आईफोन 12 प्रो मैक्स है, एक आईफोन 7 प्लस है। एक फुल शॉर्टिंग है और एक ऑफ शॉर्टिंग में है। तो हम इसको अभी ओपन करेंगे और सेटअप करेंगे, और उसके बाद इसका शॉर्टिंग जो है वो इसमें चेक करेंगे कितने जल्दी से इसका शॉर्टिंग जो है रिलीज़ होता है। पहले भी किसी ने इसको ओपन किया हुआ है, इस हैंडसेट को मैंने ही ओपन किया है, ओपन करके इसको चेक कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या मैनुअल है। मैनुअल में आपको इसका QR कोड देगा इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए। तो मैं इसका ऐप डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा कौन सा ऐप है करके। चलिए, इसका ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहले ये हमारा कैमरा है और इसका एक USB केबल है, इसका एक स्टैंड का लॉक है, इसके अंदर एक ऑलन की दिया हुआ है और इसमें दो स्क्रू हैं, ये किसी का पता नहीं, चेक करते हैं। और इसके अंदर एक स्टैंड है, इसका और एक स्क्रू में तभी देखा था, इधर पे था, पता नहीं किधर गया। चलिए बाद में देखते हैं स्क्रू को। स्क्रू हमें अभी जॉइंट करने के लिए चाहिए। हाँ, इधर पे है मेरा स्क्रू। तो सबसे पहले हमें स्क्रू लगा लेना होगा पे। तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं पहले। बहुत सारे रिव्यूज़ जो है मैंने देखे हुए हैं, सिर्फ सेकंड्स के अंदर इसका शॉर्टिंग जो है ये फाइंड आउट कर लेता है। तो मैंने बड़ा वाला लिया है क्योंकि आसानी से वीडियो भी बना सकूं। छोटा वाला लेता तो मोबाइल को कनेक्ट करके चेक करना पड़ता, अभी आप सिस्टम में भी दिखाने के लिए काम आएगा। पे लगा लेते हैं, तो ये इसका पावर ऑन एंड ऑफ बटन है। सॉरी, मैंने इसको नहीं लगाया।
के मैं सिस्टम ऑन कर लेता हूँ। सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। इसका जो ये बटन है अब ये चालू हो गए। चलिए अभी हम इसको हमारे काउंटर पे लेकर चलते हैं, सर्विस काउंटर में। बहुत जल्दी से रिलीज हो जा रहा है इसको। चलिए दोनों हैंडसेट चेक करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करके हम चेक करते हैं। इसको पहले ही दो भी इसको ओपन किया हुआ है। आप आईफोन सीरीज को 12 सीरीज को इसमें ट्राई मत कीजिए। आप इसका ओपनर का जो मोल्ड आता है, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मोल्ड से ही इसको ओपन कीजिए, वरना इसको आप ब्लेड में यूज़ करेंगे तो इसका डिस्प्ले डैमेज हो सकता है, लाइंस आ सकते हैं या ब्लैंक स्क्रीन हो सकता है। बहुत ही प्रॉब्लम देगा आपको। ये पहले ही ओपन किया हुआ, इसीलिए मैंने इसको ये ब्लेड से ओपन कर रहा हूँ। चलें अभी देखें। अभी इसका क्लैंप्स जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूसरे मोबाइल शॉप से मुझे आया है। कस्टमर को इसका डेटा चाहिए था तो हमने इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा बोला है, क्योंकि थर्मल कैमरे में इसको हम चेक करेंगे। इसका बैटरी है, अभी आप लोगों को मैं शॉर्टिंग जो है दिखा देता हूँ। अभी इसका जो है फुल शॉर्ट दिखा रहा है। देखें दोनों तरफ भी बीप दे रहा है, तो अभी शॉर्ट हो गए। अब इसका बैटरी भी चेक कर लेंगे। तो थोड़ा भी बैटरी भी चार्ज नहीं है, शॉर्ट होने की वजह से इसका बैटरी जो है पावर सप्लाई बंद कर दिया है। इसका केबल भी मिल गया मुझे। चलिए इसको लगा देते हैं। पूरी तरीके से नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये भी मेल्ट हो गया है केबल मेरा। चलो इसे पकड़ने से इसको लग जा रहा है। चलो पहले हम इसका सेटअप करते हैं कैमरे का। चलो सबसे पहले हम इसकी बुक में दिए हुए वेबसाइट पे चले जाते हैं।
साइड ओपनिंग करने के बाद इसका पहले वाला ही इधर पे आया था चाइनीज में लिख के, देखें आपको समझ में आ रहा हो तो। उसके बाद हमें डाउनलोड्स में जाना है, उसके बाद इधर पे देखिए सेकेंड ऑप्शन है MIIR सेटअप, इसमें देखिए ये पूरे मॉडल इसमें सपोर्ट हो जाएंगे। हमारा जो मॉडल है सुपर एयर कैम 2S, तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ये वेबसाइट में थोड़ा स्लो ही डाउनलोड होता है, चलिए फ्रेंड्स अभी हमारा जो है डाउनलोड हो गया है। मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के थर्मल कैम पे क्लिक के इसको इस फोल्डर में डाल लेता हूँ। ये वन टाइम सेटअप रहेगा, फिर आपको सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा जो फाइल है एक्सट्रैक्ट होके आ गया है, चलिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं। सिर्फ एक ही फाइल है, आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो ड्राइवर सब ले लेगा ऑटोमेटिक। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। सॉरी फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग जो है कट हो गया था। तो हमारा ऐप जो है अभी डाउनलोड कर लिया है, कैमरा को मैं ऑन कर देता हूँ। अभी हमारा जो है मदरबोर्ड इधर पे दिख रहा है, तो मैं इस पे इधर पे केबल लगा रहा हूँ। तो देखें इधर पे केबल शॉर्टिंग की वजह से, फुल शॉर्टिंग की वजह से केबल हीट हो रहा है, इसीलिए ये हीट को ही सेंस करता है, तो ये किधर हीट हो रहा है उधर ही दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारा मदरबोर्ड भी हीट हो रहा है, इसको ब्लेड लेके मैं कवर करके ट्राई करता हूँ। वो इधर पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर है, वो उसमें वो सेंस नहीं करेगा, थोड़ा लेट सेंस करेगा, तो हम इसको निकाल देंगे। जो मदरबोर्ड के ऊपर आता है स्टिकर, आपने ब्लैक कलर का देखा होगा, कूलिंग के लिए यूज़ करता है, वो वाला टेप है। तो चलिए फिर से एक बार मैं लगा के देखता हूँ। आप लोगों को केबल लगा के, मैंने डीसी पावर सप्लाई का केबल भी लगाया है और चार्जिंग केबल भी मैं एक बार लगा लेता हूँ। दोनों लगाने से थोड़ा ज़्यादा पावर फ़ोन को जाएगा तो हमें इजी भी पता चल सकता है। देखेंगे अगर हम ट्रेस नहीं कर पाए तो इसका मदरबोर्ड जो है सैंडविच बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ किधर भी अभी तक तो मुझे शॉर्टिंग का सिग्नल नहीं मिला है। इधर पे एक हमें सिग्नल मिल रहा है, देखें इधर पे थोड़ा सा सिग्नल मिल रहा है, देखें शायद मुझको एक क्लैंप को निकालना होगा और अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेता हूँ। इधर पे ही इसका शॉर्टिंग जो है मुझे दिख रहा है। मदरबोर्ड के सैंडविच बोर्ड के अंदर भी हो सकता है, एक बार ब्लेड में मैं इसको क्लैंप को थोड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर से एक बार कंफर्म कर लेंगे। देखें इस फ्रेंड्स इधर पे शॉर्ट दिखा रहा है,
देखिए ये जो है ये मेरा फ्लेक्स जो है हीट हो रहा है इसीलिए इधर पे हुए इधर भी सेंस कर रहा है, तो दूसरी जगह पे और किधर भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, शायद इधर पे ही शॉर्टिंग होगा। एक बार मुझे क्लैंप निकाल के भी चेक कर लूँगा तो अच्छा रहेगा। चलें एक बार क्लैंप भी इसको निकाल लेके देखते हैं, इधर पे डाउट है मुझे, देखते हैं। चलिए तो हमारा जो शॉर्टिंग है, देखिए मैंने चार्ज में भी इसको लगाया, पीसी पोर्ट सब लगाया, केबल भी लगाया और चार्ज में भी लगाया, तो हमें इधर पे इसका शॉर्टिंग दिखा। ये स्ट्रिप हीट हो रहा था इसीलिए वो थर्मल कैमरा जो है इसको हीटिंग शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो मैंने इसकी मदद से इसको ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद इधर पे दिखाया। तो इधर पे ज़रूर कुछ ना कुछ है, तो इस क्लैंप को हमें बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, क्लैंप निकाल के एक बार हम उसको चेक करेंगे, देखता हूँ ऐसे ही हुआ तो क्लैंप निकाल देता हूँ, नहीं तो हीट करके निकालेंगे। तो इधर पे इस एरिया में शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो चले फिर से एक बार हम इसको थर्मल कैमरे में रखते हैं और कौन सा इसमें शॉर्ट है चेक करते हैं। अगर इसी शॉर्ट दिखाएगा तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। थोड़ा मैंने इसको हाइट भी डाउन कर लिया क्योंकि थोड़ा नज़दीक में आने से ये थोड़ा और जल्दी शॉर्टिंग जो है ट्रेस कर लेता है। चलिए अभी हम सिस्टम में देखते हैं। तो चलें फिर से मैं एक बार इधर लगा के चेक कर लेता हूँ। देखिए मेरा स्ट्रिप जो है फिर से हीट होना चालू हो गया है, तो मैं इसको कवर कर लूँगा। अभी देखिए अभी हमारा शॉर्टिंग जो है कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बराबर से मैंने लगाया हुआ है फ्लेक्स, तभी मैंने चार्ज में भी लगाया था। चलें चार्ज में भी इसको एक बार फिर से लगा लेता हूँ मैं। देखें अभी मैंने चार्ज में लगा दिया है, तो देखें इधर पे ये फ्लैश कर रहा है तेरे से, देखें देखें अभी देखें इधर पे फ्लैश कर रहा है। ये इसका आईसी है और ये कैपेसिटर पे, एक मिनट तेरे, ये दूसरी जगह का सभी कैसे है, ये लाइट के फोकस को ये नीचे और थोड़ा दिखा रहा है ना, वो लाइट का फोकस पड़ रहा है इसीलिए वो उधर भी हमें हीटिंग का सिग्नल दे रहा है। थोड़ा और अच्छे से दिखाया था तेरे, हमारा स्ट्रिप जो है बार बार निकल जा रहा है। भी देखें ये ऊपर का जो स्टील का चमक रहा है वो भी लाइट के सेंस की वजह से उधर पे लाइट का फोकस पड़ रहा है तो ये हीट दिखा रहा है, वो हमारा मेन प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा जो इधर पे फ्लैश हो रहा है, देखिए इधर पे हमारा कितना डिग्री, 42 डिग्री में आया के जा रहा है। एक बार और से देखिए, स्टॉप करके आप पास करके भी देखिए, 42 डिग्री, 53 को भी जा रहा है, 46, देखें थोड़ा ये हमारा शॉर्टिंग का एरिया है। तो देखिए मैंने लीकेज मोड करके एक ऑप्शन है उसको मैंने ऑन किया है, तो लीकेज मोड में ये थोड़ा ब्लू ऐसे आ जाएगा। देखिए इधर पे ही हमारा शॉर्टिंग 100% हमें कंफर्म होगा, इधर पे ही ये कैपेसिटर शॉर्ट है करके।
देखिए और थोड़ी देर आप देख लीजिए। देखिए अभी कंफर्म हो गया है मुझे, एक बार वेट एंड ब्लैक में करके देखते हैं। देखिए इधर पे ही शॉटिंग है। आप भी थर्मल कैमरा लेना चाहिए या नहीं, हमें इसका शॉटिंग रिमूव करने के बाद पता चल जाएगा कि मैंने इसको लेके ठीक किया नहीं। तो चलें, मैं और थोड़ा हैंडसेट को हाइड कर लिया था, तो हमें ये इधर का जो एक कैपेसिटर है वो शॉर्ट दिखा रहा था इधर पे, ठीक है इधर पे। चलें सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको शॉर्टिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको कैपेसिटर को रिमूव करते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है या नहीं। आपको मल्टीमीटर दिख रहा है, ठीक है अभी इसको हम अर्थिंग में लगा लेंगे। दोनों शॉट दिखा रहे हैं, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दिख पा रहा है, तो इसका शॉटिंग जो है वो कंफर्म है। तो बहुत थोड़ा टाइम लगा, फिर भी हमें कैपेसिटर ये फर्स्ट इधर पे लीकेज दिखा रहा था, उसके बाद ये आईसी ये बकायल है, फर्स्ट हम इसको रिमूव करेंगे, देखें क्या करता है। छोटे से कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया है, अब इसका शॉर्टिंग जो है हम चेक करते हैं। अरे इसका कंफर्म शॉर्टिंग वही था, देखिए शॉर्ट जो है अभी रिलीज हो गया है। एक बार ड्राइव मोड में देख लेंगे हम। देखिए हमारा मदरबोर्ड जो है अभी डायरेक्ट मोड में 1000 इसका रीडिंग ले रहा है, तो ये हाफ शॉटिंग नहीं है, फुल शॉट था, रिलीज़ हुआ है अभी अभी, तो कंपोनेंट्स में इसका पावर सप्लाई नहीं है तो इसीलिए वो 1000 दिखा रहा है। थोड़ा बैटरी चार्ज होएगा तो वो बराबर दिखा देगा। हमारा फुल शॉट जो है वो अभी रिलीज़ हो गया है। चलिए अभी हम हैंडसेट को चेक करते हैं एक बार डीसी पावर सप्लाई में। चलिए अभी इसको हम ऑन कर लेते हैं, डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके एक बार देख लेंगे। नहीं नहीं ये जो है नॉर्मल है, अदरवाइज को ये फ़ोन हैंडसेट ऑन भी हो रहा है। चलिए अभी हम इसका डिस्प्ले लगा कर चेक कर लेंगे। डीसी पावर सप्लाई में तो ये रीडिंग ले रहा है, शायद हमारा केबल खराब हो जाएगा, हमें इसका बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। एक बार बैटरी थोड़ी देर चार्ज में रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहले देखते हैं बैटरी इसका जो है डीएक्टिवेट हो जाए तो एक्टिवेट हो जाए। ओ ऑन हो गया, ये जो है ऑन हो रहा है, अब ये ऑन पूरी तरीके से ऑन हो रहा है, शायद इसका बैटरी एक्टिवेट हो गया है इसीलिए। देखिए फोन अभी फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है, चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। चेक कर लूँगा बाद में। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कैसा लगा मेरा थर्मल कैमरे का रिव्यू और कैसे मैंने इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया। देखिए छोटा सा कैपेसिटर है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है,
चार्ज क्यों नहीं ले रहा, एक बार चार्ज चेक कर लेंगे दूसरे चार्जर में कनेक्ट करके। चार्ज भी ले रहा है तो हैंडसेट एकदम ओके हो गया है। बहुत इसको ओपन करने का, मदरबोर्ड को डबल लेयर को ओपन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा सैंडविच बोर्ड को। तो मुझे इधर पे ब्लैक टेप था तो उसमें हीटिंग पता नहीं चल रहा था, करके मैंने उसको टेप को फर्स्ट रिमूव किया। रिमूव करके थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर वेट करने के बाद जो है इसका कैपेसिटर को थर्मल कैमरे ने आइडेंटिफाई किया और बिना दूसरा शील्ड खोले ऐसे ही इसको हमने ठीक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको शॉर्टिंग वाले वीडियोस पसंद हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।